हाय हेलो भाई लोग, आप सभी को फिर से एक नया कॉस्ट्यूम मैच स्वागत है। आज की मैच होने वाला है खोर्धा और ढेंकनाल के बीच में, तो चलिए मैच को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो टीम नंबर वन पे है ये सारे है खोर्धा की बंदे, और टीम नंबर टू पे जो सारे हैं वो है ढेंकनाल की बंदे। तो चलिए देखिए, आप देख सकते हैं मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है, यहाँ पर देखिए फाइट भी शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट राउंड कौन जीतता है। यहाँ पे देखिए एक बंदा डाउन हो चुका है भुवनेश्वर की, और किल भी हो चुका है, आप देख सकते हैं अमित भाई ने किल कर लिया इनको। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों टीम की एक एक बंदा खत्म हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं ये मैच कौन जीतता है। यहाँ पे देखिए और एक प्लेयर ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हैं ढेंकनाल की और एक प्लेयर ख़त्म हो चुका है, आप दो प्लेयर जिंदा है। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या होता है इस राउंड का। ये देखिए एक बंदा को डाउन कर लिया अमित भाई ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेंकनाल के अमित भाई ने एक प्लेयर को डाउन कर चुके हैं वो खर्दा की। और आप देख सकते हैं अमित भाई भी डाउन हो चुके हैं यहाँ पे देखिए। और ये देखिए खर्दा की बंदे ने ढेंकनाल की और एक बंदे को किल कर लिया, और ये मैच जीत गए इन्होंने। देखिए फर्स्ट राउंड जीत चुका है खर्दा। तो देखिए अब सेकंड राउंड शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं दोनों ओर की टीम जा रहे हैं देखिए फाइट लेने के लिए। ये है टीम वन जो कि है खर्दा, और टीम टू ये देखिए अमित भाई जो है ये की ये है ढेंकनाल की। ये देखिए आप देखते हैं फाइट शुरू हो चुका है, देखिए विश्व भाई मार रहे हैं, लेकिन देखिए विश्व भाई खुद ही डाउन हो चुके हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ढेंकनाल की स्टार भाई जा रहे हैं, स्टार राहुल भाई किल करने के लिए, और किल भी कर लिए इन्होंने। और इधर देखिए क्रिमिनल भाई एक को डाउन किया है, एक ढेंकनाल की बंदा को डाउन किया आप देख सकते हैं, और रिमोट भी मार रहे हैं और किल ले लिया। आप देख सकते हैं ढेंकनाल की एक ही प्लेयर जिंदा है, और भुवनेश्वर की तीन प्लेयर जिंदा है। तो चलिए देखते हैं ये राउंड कौन जीतता है। यहाँ पे देख सकते हैं खोर्धा के सारे बंदे जा रहे हैं, और देखिए यहाँ पे हिमांशु भाई ने किल कर लिया, और ये राउंड खोर्धा ने जीत गया है। देखिए अब अगला राउंड शुरू हो चुका है, तीन नंबर राउंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे खोर्धा के बंदे जा रहे हैं रोस करने के लिए, और ये जो ऊपर से आ रहे हैं ये है ढेंकनाल की प्लेयर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, फाइट भी शुरू हो चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप भी इस तरह का कस्टम मैच खेलना चाहते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहे तो अपना नंबर और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको बाद में कॉन्टैक्ट कर लूँगा। यहाँ पर देखिए खोर्धा की एक प्लेयर ख़त्म हो चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और देखिए दो प्लेयर ख़त्म हो चुके हैं खोर्धा की अब, और उसी तरह से ढेंकनाल की भी एक प्लेयर ख़त्म हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इस राउंड कौन जीतता है। देखिए सारे मिल के मार रहे हैं वो अपने खोर्धा के बंदे को, देखिए और एक भी खोर्धा की प्लेयर ख़त्म हो चुका है, और अब खोर्धा की एक ही प्लेयर जिंदा है आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। देखिए क्रिमिनल भाई, देखिए क्रिमिनल भाई वॉल डाल के पीछे जा रहे हैं जो कि है खर्दा की। तो चलिए देखते हैं ये बोया ले पाते हैं कि नहीं। अगर आप हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। क्रिमिनल भाई ट्राई कर रहे हैं हेड डालने के लिए, लेकिन हेड नहीं लग रहा है, और खुद ही डाउन हो गया आप देख सकते हैं। ये राउंड ढेंकनाल ने जीत गया, और अगला राउंड भी शुरू हो चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं विश्व भाई फाइट भी ले चुके हैं, देखिए हेड डाल के विश्व भाई बहुत ही अच्छा वॉल डाल रहे हैं आप देख सकते हैं, गोली मार के फटाफट ही वॉल डाल लेते हैं। अब चलिए देख लेते हैं ढेंकनाल की प्लेयर क्या करते हैं। ये देखिए ढेंकनाल के अमित भाई ये किल लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं आप देख सकते हैं, और एक बंदा को इनकी टीममेट ने डाउन कर लिया है आप देख सकते हैं, और भुवनेश्वर की एक प्लेयर ख़त्म, और
ढंकनाल की भी एक प्लेयर खत्म हो चुका है आप देख सकते हैं। यहाँ पे भुवनेश्वर की ओर एक प्लेयर हिमांशु भाई डाउन हो चुके हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फाइट भी शुरू हो चुका है आप देख सकते हैं, सॉरी वो सीन में दिखा नहीं पाया आपको। और ये राउंड देखिए ढंकनाल वालों ने जीत गए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला राउंड शुरू हो चुका है आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों टीम ने दो दो बार विन कर चुके हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए पांचवा राउंड शुरू हो चुका है, दोनों ओर की टीम जा रहे हैं फाइल देने के लिए। और यहाँ पे देखिए फाइट भी शुरू हो चुका है आप देख सकते हैं। और एक हेड डाल के दो हेड डाल के भीष्मा भाई ने इनको डाउन कर लिया आप देख सकते हैं, सॉरी भीष्म भाई ने। और उनकी टीममेट भी आ रहे हैं उनके पास हेल्प करने के लिए। और ये देखिए ढंकनाल की अमित भाई ने उनकी विश्व भाई को डाउन कर चुके हैं और किल भी कर चुके हैं और खुद भी डाउन हो गए आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्रिमिनल भाई इमोट भी मार रहे हैं डाउन करके उनको, और किल भी ले लिया इन्होंने। अब ढंकनाल के एक ही प्लेयर जिंदा है। और देखिए ये मैच भी भुवनेश्वर ने विन कर लिया आप देख सकते हैं। अब अगला राउंड शुरू हो चुका है, 6 नंबर राउंड आप देख सकते हैं। दोनों ओर की टीम जा रहे हैं फाइट लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए फाइट भी शुरू हो चुका है। भाई आप लोग को मैं सॉरी मांगना चाहूँगा क्योंकि इस राउंड को मैं ठीक से कैप्चर नहीं कर पाया, फाइट सीन ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। यहाँ पे देखिए क्रिमिनल भाई ने फाइट ले लिया और डैमेज भी खुद ले लिया आप देख सकते हैं। किल लेने के लिए ट्राई करेंगे क्रिमिनल भाई, वॉल में घुस गए देखिए। और आप देख सकते हैं उनकी दो बंदे ख़त्म हो चुके हैं आप देख सकते हैं। ढंकनाल की दो दो प्लेयर ख़त्म हो चुके हैं। और ये राउंड देखिए भुवनेश्वर ने जीत गया आप देख सकते हैं। और अगला राउंड शुरू हो चुका है आप देख सकते हैं, 7 नंबर राउंड शुरू हो चुका है। और ढंकनाल के प्लेयर जा रहे हैं फाइट लेने के लिए इधर से आप देख सकते हैं। देखिए ढंकनाल के एक प्लेयर फंस गए शायद, आगे निकल गए हो तो चले देखते हैं। और ये देखिए वाल डाल के मारने के लिए कोशिश करें लेकिन इनको पीछे से कोई मार लिया देख सकते हैं आप। देखिए ढंकनाल के अमित भाई पीछे हैं। और यह देखिए क्रिमिनल भाई वाल डाल के खड़े हुए हैं और हील कर रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे ढंकनाल की एक प्लेयर ख़त्म हो चुका है आप देख सकते हैं। और सॉरी खरदा की भी एक प्लेयर ख़त्म हो चुका है आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अमित भाई जिंदा है और सामो भाई भी जिंदा है। तो चलिए देखते हैं ये राउंड कौन जीतता है। और ये देखिए अमित भाई ने एक को डाउन कर लिया खरदा के बंदे को और किल भी ले लेंगे शायद, हाँ किल ले लिया इन्होंने और वाल के अंदर है। और विक्टर भाई बाहर से खरदा की वाल तोड़ रहे हैं और किल लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और देखिए आप देख सकते हैं अमित भाई को इन्होंने किल करके इस राउंड भी जीत गया। तो चलिए देखते हैं अगला राउंड शुरू हो चुका है। देखिए अभी तक स्कोर जो हुआ है 5-2, खरदा की टीम ने 5 मैच जीता है और ढंकनाल की प्लेयर ने 2 मैच जीता है। देखिए ये राउंड में फाइट भी शुरू हो चुका है और 48 का हेड डाल दिया विश्व भाई ने, किल लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और देखिए भुवनेश्वर की एक प्लेयर डाउन है और ख़त्म भी हो चुका है आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा नेट स्लो था। खुर्दा टीम की क्रिमिनल भाई डाउन हो चुके हैं आप देख सकते हैं, ढंकनाल की प्लेयर ने उनको डाउन कर लिया है और विश्व भाई आ रहे हैं हेल्प देने के लिए आप देख सकते हैं। खुर्दा की 2 प्लेयर ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए अमित भाई जा रहे हैं उनकी डाउन हुए हुए प्लेयर को रिवाइव देने के लिए और रिवाइव भी दे रहे हैं आप देख सकते हैं। अगर आप भी इस तरह का डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज स्टेज और आप चाहे तो सिटी वाइज सिटी मैच करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे कमेंट में आप अपना फ़ोन नंबर और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा। देखिए विश्व भाई ने एक को डाउन कर लिया आप देख सकते हैं और ये किल भी ले लिए देखिए। और दोनों ओर से दो दो प्लेयर जिंदा है। तो चलिए देखते हैं ये मैच कौन जीतता है। यहाँ पे देखिए अमित भाई जो कि ढंकनाल के प्लेयर हो वाल की चारों ओर घूम रहे हैं एनिमी को मारने के लिए आप देख सकते हैं। और पीछे है देखिए स्टार राहुल भाई, उनको बैकअप देने के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे राहुल भाई हैं और ये देखिए राहुल भाई डाउन हो चुके हैं और अमित भाई ही जिंदा है। और देखिए एक बंदा को इन्होंने भी राउंड किया था अमित भाई ने। और देखिए किल लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं वाल तोड़ के।
हम देखिए यहाँ पे ऑल वॉल तोड़ रहे हैं अमित भाई, और ये देखिए वॉल तोड़ के किल भी ले लिया इन्होंने। ये राउंड जीत गया ढेंकनाल ने, तो अगला राउंड भी शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक आप देख सकते हैं खरदा टीम की जो है हिमांशु भाई 5 किल किए हैं, और विश्व भाई 10 किल, किरणाल भाई 6 किल, और चिमकानी भाई 4 किल। उसी तरह से ढेंकनाल के अमित भाई 9 किल, स्टार राहुल भाई 3 किल, हिंद सामा भाई बा श्याम श्याम या सामा सामो भाई 4 किल, और दीपक भाई 2 किल कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए अमित भाई ने एक प्लेयर को डाउन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं दोनों टीम से दो दो प्लेयर जिंदा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये राउंड कौन जीतता है, और यहाँ पे देखिए हिंद सामा भाई ने भी सामो भाई ने और एक किल कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी इनका सामो नाम है या सामा नाम है मुझे मालूम नहीं, तो चलिए सामा बोल लेता हूँ, कभी कभी सामा ही बोल लेंगे। यहाँ पे देखिए क्रिमिनल भाई जिंदा है खरदा की, तो चलिए देखते हैं ये विन कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप भी इस तरह का कस्टम मैच खेलना चाहते हैं तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर मैं नीचे दे दूंगा, नहीं तो आप चाहे तो कॉमेंट में अपना नंबर और डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा। ये देखिए डाउन कर लिया अमित भाई को ढेंकनाल की, अमित भाई को क्रिमिनल भाई ने डाउन कर लिया है। आप देख सकते हैं अब दोनों टीम से एक एक प्लेयर जिंदा है, तो चलिए देखते हैं ये राउंड कौन जीतता है। ये देखिए क्रिमिनल भाई शायद दूर जाके हेड ट्राई करेंगे, अब हील कर रहे हैं दोनों ओर की टीम। आप देख सकते हैं दोनों ओर के प्लेयर हील कर रहे हैं, और ये देखिए क्रिमिनल भाई ने हेड डाल दिया और किल भी कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला राउंड भी शुरू हो चुका है। अगर ये राउंड खरदा ने जीत जाता है तो पूरा ले लेगा, अगर यहाँ पे ढेंकनाल जीतता है तो उनको टक्कर देने के लिए कोशिश करेगा, जीतने के लिए वो भी कोशिश करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ओर से खरदा ने 6 मैच विन किया है और ढेंकनाल ने 3 मैच विन किया है, तो चलिए देखते हैं इस राउंड में क्या होता है। यहाँ पे देखिए दमदार फाइट शुरू हो चुका है, और क्रिमिनल भाई जा रहे हैं राउडी मोड में मारने के लिए, और यहाँ पे देखिए विश्व भाई वर्क कर रहे हैं ठीक से। देख के ये विश्व भाई जो है बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट करते हैं और आराम से गोली मारते हैं, कोई दिक्कत नहीं लेकिन नहीं। और क्रिमिनल भाई जो है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, लेकिन विश्व भाई थोड़े ही मूवमेंट करके आराम से मार लेते हैं। और ये मैच देखिए ये राउंड जीत गया खरदा ने, और गोया भी ले लिया इन्होंने, और खरदा ने ये कस्टम मैच विन कर चुका है।